मेरा नाम है विश्वनाथ बिलारे और मैं महाबलेश्वर से हूँ जो महाराष्ट्र में आता है। मैं ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी ग्रोअर हूँ। तो अभी आप जो देख रहे हो जो हमारा पूरा स्ट्रॉबेरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पूरा स्ट्रॉबेरी का फार्म है। तो इसमें हम लोग ने तीन वैरायटी लगा के रखा है। ये जो आपको दिख रहा है वो नाबिला करके वैरायटी है, और यहाँ पे जो है वो R1 वैरायटी है, और दूसरा जो है वो कामारोजा है, वो यहाँ पे नहीं, नीचे के प्लॉट में। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग ऑर्गेनिक में क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हम लोग पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, अभी यहाँ पे हम लोग ने कुछ फोरामेंट ट्रैप्स लगा के रखा है, जो आप देख सकते हो। ये जो है ना वो फोरामेंट ट्रैप है। तो इसके अंदर एक ल्यूर लगा होता है, जो आप देख सकते हो ट्यूब के जैसा ल्यूर है। तो इस ल्यूर में फीमेल जो कीड़ा रहता है उसका स्मेल रहता है, तो जो मेल कीड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और फिर नीचे जाके फंस जाते हैं वो इसके अंदर। आप देख सकते होगे शायद इसके अंदर पूरे जो कीड़े हैं ना वो फंस गए हैं। तो उसका जो नेचर का जो साइकिल रहता है उनका, वो ब्रेक हो जाता है पूरा, और फिर जो फीमेल है वो अंडे नहीं देती है। तो फिर वो उसके अंदर से जो छोटा वाला लार्वा है उन्हें नहीं निकलता है, तो फिर वो कीड़े होने का बंद हो जाता है। ये इसमें बहुत ही अच्छा कंट्रोल आता है। उसके बाद में हम लोग फर्टिकेशन के लिए इसके अंदर एक इंटरक्रॉपिंग करके रखा है। इस यहाँ पे जो है वो लहसुन लगा हुआ है, तो लहसुन बहुत बढ़िया रहता है। ये जो है क्या करता है, वो फॉस्फोरस रिलीज करता है ज़मीन में, तो ग्रोथ बहुत बढ़िया आता है स्ट्रॉबेरी का। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ही बढ़िया कलर है स्ट्रॉबेरी का, फ्लावर्स भी बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर। इसमें स्ट्रॉबेरी भी है यहाँ पे, देखो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है बीन्स लगा के रखा है, जो बीन्स रहता है वो नाइट्रोजन रिलीज करता है इसके अंदर ज़मीन में, तो स्ट्रॉबेरी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ फ्लावर या पत्ता गोभी लगा के रखा है, तो इसके यहाँ पे भी जो कीड़े रहते हैं वो इसके तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और फिर यहाँ पे फंस जाते हैं वो कीड़े। आप देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया है ये भी फ्लावर। हमारे हम लोग जो है ना वो 5 साल से अभी PGS में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो 5 साल से ऑर्गेनिक कर रहे, तो कीड़ों का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम है हमको यहाँ पे। अभी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉबेरी आया है ये साल का। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ हम लोग कुछ प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो सर्टिफाइड कंपनी का जो प्रोडक्ट रहता है वही हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रे के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जावेद, ये जो है वो हमारा जावेद भाई है, ये यहाँ पे सब कुछ स्प्रे के लिए यूज़ करता है, स्प्रेइंग ये करता है। तो आप देख रहे हैं ये जो है वो ये जो स्प्रे के लिए है, ये नीम आर्क है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं वो। ये 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नेट सर्फ कंपनी का है। इसके बाद में यहाँ पे गोमूत्र है, आप देख रहे हैं ये गोमूत्र भी स्प्रे में आता है। ये जो है वो जो अमृत का कैंड है, ये भी आता है स्प्रे के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने जीव अमृत बना के रखा है, जो यहाँ से छोड़ा जाता है ये पाइप के अंदर से, हम लोग वो जीव अमृत ड्रिप से छोड़ते हैं, छान के उसको 2-3 बार छान के इसको छोड़ा जाता है यहाँ पे। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का पूरा पैकिंग होता है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी का पैकिंग करते हैं। उसके बाद में ये भी कुछ प्रोडक्ट है, ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी नेट सर्फ का ही है। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे इको सर्ट का लोगो है, जो गवर्नमेंट ने अथोराइज कंपनी है वो कंपनी इसको अप्रूव करती है। तो हम लोग ये अभी यूज़ कर रहे हैं स्प्रेइंग के लिए। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस है स्ट्रॉबेरी का। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्ट्रॉबेरी खाइए, बहुत बढ़िया स्ट्रॉबेरी है हमारा।